हमारे इस बगीचे में आम के भी पौधे हैं और जाओ। अमरूद। काटी नहीं रहे तो काटना। चलो हमारे इस बगीचे में आम के पौधे भी हैं और अमरूद के पौधे भी, और आम या अमरूद की कोई एक स्पेसिफिक वैरायटी नहीं है, आम की भी अलग अलग वैरायटी है और अमरूद की भी अलग अलग वैरायटी है। पर हमारे इस बगीचे में अमरूद के पौधे भी हैं और आम के पौधे भी, और यहाँ पर अमरूद या आम की कोई एक स्पेसिफिक वैरायटी नहीं लगाई गई है, यहाँ अमरूद और आम की सब अलग अलग वैरायटी लगाई गई है। जैसे आप अगर आम की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 से भी अधिक वैरायटी लगाई गई है, जिसमें नॉर्मल वैरायटीज भी हैं और कुछ कलर वैरायटीज भी हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि हमने कौन कौन सी कलर वैरायटी यहाँ पर लगाई है। अब जब वैरायटी में इतना डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। कुछ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, कुछ पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पर भी अलग अलग पौधे हैं। कुछ की पत्तियाँ काफ़ी लंबी रहती हैं, कुछ की पत्तियाँ कुछ अपेक्षाकृत छोटी रहती हैं, कुछ के पत्ते चौड़े होते हैं, कुछ के पत्ते थोड़े पतले होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाऊंगा जिसकी पत्तियाँ इस बाग के बाकी सभी पौधों की पत्तियों से सबसे लंबी है, और अदिति भी आज आपको कुछ दिखाने वाली है। तो मैं इस बाग का सबसे चौड़ा पत्ता दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं पहले इस पेड़ पर। जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे वो जानते होंगे कौन सा पौधा है। अभी इसकी पत्तियां आप देखिए कितनी लंबी पत्तियां हैं, और आज हम स्टेप से इसका मेजरमेंट भी करेंगे। ये पत्तियां पहले आप देख लें। मनु, अदिति इधर आओ, हाथ से नापो इसे। पूरा एक हाथ की पत्तियां हैं इसके। एक हाथ की लंबाई का मतलब यह नहीं कि उंगली से लेकर कंधे तक की दूरी। जब मेजरिंग टेप या घड़ी नहीं भी थी तब भी हमारे पूर्वज लंबाई और समय आदि का बहुत ही सटीक अंदाजा लगा लेते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से लंबाई नापने की टेक्निक इतनी पॉपुलर है कि यकीन मानिए टेप से नापने पर भी अंतर मात्र 19-20 का ही रहता है। इसमें उंगली से लेकर कोहनी तक की दूरी को एक हाथ की दूरी कहते हैं। जिसका हाथ थोड़ा बड़ा होता है वो आगे उंगली मोड़कर अपने हाथ की लंबाई थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये दूरी लगभग 1.5 फीट की होती है। अब कहीं कहीं एक हाथ की दूरी का मतलब उंगली से लेकर कंधे तक की दूरी होती है। जैसे स्कूल में बोलते हैं कि एक हाथ की दूरी मेंटेन करिए। ज़्यादा शैतानी करने पर घर पर ये तो सुनने को मिलता ही है कि अभी एक हाथ पड़ जाएगा। इसमें हाथ के पंजे के बारे में बात की जाती है, तो भैया अलग अलग जगह पर अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये पत्ता देखिए, चलिए स्टेप से इसको नापते हैं। तो ये जिस ब्रांच से लगी हुई है हम यहां से मेजरमेंट लेंगे और इसकी टिप तक मेजर करेंगे। ए मनु इधर उधर पकड़ो, तो सत्रह इंच की ये पत्ती है। अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो लगभग 44 सेंटीमीटर। यहां से लेकर पूरा सीधा सीधा करो, सीधा करो, हाँ पकड़े रहना वहां पर। तो यहां तक सीधा 17 इंच की पत्ती है पूरा टोटल। अगर सीधा करके दिखाया जाए तो एक हिसाब से देखा जाए लगभग 1.5 फीट की पूरी पत्ती है। इस वैरायटी का लगभग यहाँ पर 5 पेड़ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पेड़ पर ऐसी बड़ी पत्तियां हैं, इसके जो पांचों पेड़ हैं पांचों पेड़ पर इसकी पत्तियां बड़ी ही हैं। पिछले साल भी देखा था, वो इस साल भी देखा है कि जुलाई अगस्त के समय ये पत्तियां निकलती हैं बड़ी वाली, और अगर जो मार्च में जो पत्तियां निकलेंगी वो अपेक्षाकृत छोटी होंगी। एक ही पौधे की पत्तियां किसी समय में बड़ी निकलती हैं, किसी समय में छोटी। बात है बरसात में उसे मौसम अनुकूल मिल जाता है, इसलिए उस पौधे का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। तब देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंच ये चौड़ाई है। इसकी भी चौड़ाई देख ली जाए तो इसकी भी लगभग वही है 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंच। तो चौड़ाई के मामले में तो सबसे चौड़ा नहीं है, लेकिन अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी पत्तियां हैं इसकी। अब आपको दूसरा पौधा इसी का दिखाते हैं। इसकी भी पत्तियां देखिए, इसकी भी पत्तियां काफी लंबी लंबी पत्तियां हैं। यह है पूसा अरुणिमा का पौधा। इस वैरायटी के बारे में एक छोटी सी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक शेयर कर दी जाएगी।
एक बार वीडियो जरूर देखें। ये देखिए तीसरा पौधा है, सेम वैरायटी है। अब इसकी ये पत्ती आकर नापते हैं। मनु इसको नापो, यहाँ से पूरा, रुक जाओ यहाँ से। हमारे बाग में सबसे लंबी पत्तियां इसी वैरायटी के पौधे पर हैं। जो टिप कहाँ पे है, टिप लगभग ये भी 17 इंच। पिछले साल इस पर आम भी लगे थे लेकिन हमने उसको तोड़ दिया था। वो वाला वीडियो भी हमारे चैनल पर है। तो भैया ने आप लोगों को दिखाया कि इस बाग में सबसे लंबी पत्तियां किस पौधे में हैं और हमने उसका मेजरमेंट भी किया। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस बाग की सबसे चौड़ी पत्तियां किस पौधे में हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे बाग की सबसे चौड़ी पत्तियां हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ नापेंगे। ये लगभग 13 इंच है, यानी 34 सेंटीमीटर। अब हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। ये है चौसा का पौधा। चौसा के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो हमारे बाग में सबसे चौड़ी पत्तियां इसी पौधे की हैं। ये 4 इंच लगभग 10 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। और अब दूसरा पत्ता देखते हैं, इसकी भी चौड़ाई लगभग सेम ही है। और अगर नीचे की पत्तियां देखा जाए तो वो उतनी चौड़ी और लंबी नहीं है। इतनी चौड़ी पत्तियां हमारे बाग में बरसात के समय में ही निकलती हैं। पत्तियों की लंबाई, चौड़ाई और उनकी ग्रोथ रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे जर्दालू आम की जो ग्रोथ बिहार के भागलपुर इलाके में होगी वो यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लाइमेट का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु जर्दालू के लिए सर्वोत्तम है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस बाग का सबसे छोटा पौधा कौन सा है। ये अरुणिका का पौधा है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरुणिका और अरुणिमा को एक ही वैरायटी समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वैरायटी है। ये पौधा इतना छोटा इसलिए है क्योंकि इसे मैंने जल्दी ही लगाया था, अपने जन्मदिन के दिन। ये लगभग 3 महीने का पौधा है। इसकी कटिंग मैंने यहाँ से कर दी है, अब यहाँ से ब्रांचेस आएंगी। अभी अदिति ने आपको सबसे छोटा पौधा दिखाया, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस पूरे बाग का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। हमारे देश में आम की सैकड़ों प्रजातियां हैं। उन सब में बहुत सी ऐसी प्रजातियां होंगी जिनके पत्ते काफी लंबे और चौड़े होंगे। हमने अपने बाग में जो 10-12 प्रजातियां आम की लगाई हैं, उनमें जो कुछ हमने देखा वो आपको दिखाया। तो ये हमारे बाग का सबसे लंबा पौधा है। अब देखेंगे तो इसकी हाइट मुझसे भी काफी ज्यादा हो गई है। कौन सी वैरायटी है? बनारसी लंगड़ा, जिसे हमारे यहाँ कपूरी भी कहा जाता है। हाँ, तो ये हमारे बगीचे में, पूरे बगीचे में सबसे लंबा पौधा, इधर घुमा के दिखाओ। सबसे लंबा आम का पौधा है। अच्छा, और उधर भी दिखाओ, राइट साइड। हमारे इस खेत में 20 पौधे लंगड़ा के हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर किसी में हुई है तो इस पौधे में हुई है। ये ऊपर की पत्तियां इसलिए आपको नहीं दिख रही क्योंकि उस पर इंसेक्ट का अटैक हुआ है। और अगर बात करेंगे इसकी मोटाई की, इसका तना भी काफी ज्यादा मोटा हो गया है। तो लोग, कोई भी आता है तो उसकी नजर इस पौधे पर जरूर पड़ जाती है। और इसकी अगर ब्रांचिंग की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए इसकी 3 ब्रांचेज है। और उसके बाद फिर हमने फिर अपने हिसाब से इसको कट करके इसको एक कैनोपी देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।